बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने शिवलिंग का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उसको सुरक्षा के लिए हमने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग कहां पर है ये मैजिस्ट्रेट ने अभी तक खुद नहीं देखा है, तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो ऑर्डर है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना पर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि हम शिवलिंग को वहां पर मान रहे हैं, वो ये बात को कह रहे हैं कि ये मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उसकी बिना पे हम ऑर्डर दे रहे हैं। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर किसी ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उसके लिए हमने कह दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दिया गया है कि वो उसको वहां पर सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी वहां पर नमाज अदा करने से रोका जाएगा। ये बहुत अहम इस वक्त की जानकारी है। सोलिसिटर जनरल ने कहा है कि वजू खाना जो है वहां पर हाथ पैर धोए जाते हैं और उसके लिए एक और जो नमाज अदा करने के लिए एक अलग जगह तय होती है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस का है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर शिवलिंग जो है वो शायद मैजिस्ट्रेट ने अभी खुद भी नहीं देखा है, लेकिन उनके ऑर्डर को देखते हुए हम शिवलिंग की सुरक्षा के लिए डीएम को ऑर्डर दे रहे हैं और बाकी ये बात सीधी सीधी कह रहे हैं कि इसमें किसी को भी कम से कम अभी नमाज पढ़ने के लिए ना रोका जाए। बिल्कुल, और ये भी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि अगर वो क्या वो डीएम से पहले इंस्ट्रक्शन ले लें, बात कर लें और कल फिर सुनवाई के लिए वो पेश हों, यानी कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से एक दिन के वक्त मांगने की बात भी अंकित कही गई है यहां पर। बिल्कुल, उससे पहले अहमदी साहब ने कहा कि इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि वहां पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया। इस पर जस्टिस नसीमा जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अभी इंटरिम ऑर्डर दे रहे हैं, हम अभी कुछ भी किसी की तरफ से कुछ बिना सुने कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर दे रहे हैं। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कहा कि क्या हम इस पर कल रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने एक दिन का समय मांगा है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बाहर आके कल इस पर अपनी बात पूरी तरीके से रख सकती हैं, क्योंकि हमें देखना होगा कि जो आपका ऑर्डर है उस पर रैमिफिकेशंस यानी कि उसका असर जमीन पर किस तरीके से होगा, हम उसके बाद कल एक दिन का समय लेने के बाद ही इस पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। बिल्कुल अंकित, मैं वापस आऊंगा आपके पास। इसी बीच एक एक करके अपडेट लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर, सबसे पहले और तथ्यों के साथ बता रहे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि शिवलिंग के आसपास का एरिया सील रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि शिवलिंग कहां पर है। वजू खाने को लेकर के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह साफ किया गया कि वजू खाना जहां तक मैं समझ पाता हूं ये वो जगह है जहां पर मुस्लिम पक्ष के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग अपने हाथ पैर धोते और नमाज पढ़ने के लिए एक अलग जगह है। इस मामले में डीएम के पीछे की मंशा क्या रही थी, चूंकि वजू खाने का पानी हटाने के बाद ही ये कहा गया था कि वहां पर शिवलिंग देखा गया जो दावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अब जो जिरह रही उसमें अपना स्टेटमेंट रखते हुए शिवलिंग का जिक्र किया है। कोर्ट की तरफ से जब स्थान को सुरक्षित संरक्षित करने की बात की गई थी उसमें भी शिवलिंग का जिक्र हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान यह भी पूछा गया कि शिवलिंग दरअसल एग्जैक्टली कहां पर है, जब सॉलिसिटर जनरल ने शिवलिंग का दोबारा जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने भी शिवलिंग नहीं देखा, डीएम ने भी शिवलिंग नहीं देखा कि शिवलिंग कहां पर है, तो जो ऑर्डर पास किया गया उसका बिना क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इसमें कोई अंतिम आदेश नहीं बल्कि अंतरिम आदेश हम पास करेंगे और इसमें अभी स्टेटस को चेंज करने की कोई बात बिल्कुल नहीं हो रही है।